Well, hello guys, my name is Priyanka and welcome back to Bob and Vicky. आज के इस वीडियो में हम दो हेयर कंडीशनर के बीच में कंपैरिजन देखेंगे. The first one is by Head and Shoulder Smooth and Silky Hair Conditioner. Now, ये particular condition मैं 4 months से ज़्यादा use कर चुकी हूँ. और Head and Shoulder के पहले मैं use करती थी Tresemme Hair Conditioner. आप सभी को पता है Tresemme brand का जो shampoo है और Tresemme का जो hair conditioner है बहुत ही amazing results देता है. But I don't know why. I thought for a change and bought this one. The second conditioner is by Patanjali Protein Conditioner. Now, ये मैंने अभी हाल फिलहाल ही use करना start किया है. मैंने सिर्फ 2 बार ही use किया है. पतंजलि केश कांति प्रोटीन हेयर कंडीशनर ये ट्यूब फॉर्म में है. 100 ग्राम का ट्यूब आपको यहाँ पे मिलता है 60 रुपीज़ में, जो कि काफ़ी बजट फ्रेंडली है. इसके इंग्रेडिएंट्स की मैं बात करूँ तो इसमें है आमंड ऑयल, एलोवेरा जूस, पीच जम ऑयल, भृंगराज, जो कि बालों के लिए बहुत ही बढ़िया कंडीशनर का काम करते हैं. ये आपके बालों को कंडीशन करता है, नरिश करता है. इसमें एलोवेरा है, आमंड ऑयल है, साथ में चिक पी भी है. और क्योंकि ये प्रोटीन कंडीशनर है तो इसमें डेफिनेटली मिल्क प्रोटीन है. ये है हेड एंड शोल्डर स्मूथ एंड सिल्की कंडीशनर. 170 ml आपको मिलता है 150 रुपीज़ में. ये भी ज़्यादा महंगा नहीं है. इसके इंग्रीडियंट्स की मैं बात करूँ तो इसमें है वाटर, स्टेराइल एल्कोहल, सिटाइल एल्कोहल, डाईमिथैलमाइन, ग्लूटामिक एसिड, डाईमिथिकोन फ्रेग्रेंस, बेंजाइल एल्कोहल, सिट्रिक एसिड, सोडियम क्लोराइड, एक्स वाई जेड, बहुत सारे केमिकल्स हैं. और इसके इंग्रेडिएंट्स में मुझे कहीं भी कोई नेचुरल इंग्रेडिएंट दिख नहीं रहा है. मैंने अपने बालों में भी शैम्पू किया हुआ है और अब मैं अपने बालों को थोड़ा सा वेट करने वाली हूँ, क्योंकि जब भी आप कंडीशनर यूज़ करेंगे आपके बाल 70% वेट होने चाहिए. इससे ही आपको कंडीशनर का बेस्ट रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा. सो ऑन द राइट हाफ ऑफ माई हेयर आई विल बी यूजिंग हेड एंड शोल्डर पर. On the left half, I will be using protein conditioner. So let's begin with this video. First, मैं head and shoulder conditioner apply करूँगी अपने right side के hair पे. हमने भिगा लिया है. अब हम scalp से थोड़ी सी दूरी को लेके, यानी scalp पे आपको conditioner नहीं लगाना है. Scalp से आपको थोड़ा सा gap करते हुए आप पूरे hair length पे conditioner apply करें. आपको स्कैल्प पे कंडीशनर लगाने की जरूरत नहीं होती है. कंडीशनर तब लगाया जाता है जब आपके बाल बहुत ज्यादा रफ हो, अनमैनेजेबल हो, बेसिकली आपके हेयर को स्मूथन करने के लिए. तरह से मैं कर रही हूँ उसे एमल्सिफिकेशन स्टेप कहते हैं. अगर आप ये स्टेप करेंगे छोटे छोटे स्ट्रैंड्स लेके तो कंडीशनर आपके बालों में अच्छे से पेनिट्रेट हो जाएगा और इससे आपको बेटर रिजल्ट करेंगे. कंडीशनर तो हमने लगा लिया. अब इसे 15 से 20 मिनट के लिए मैं यूँ ही छोड़ दूँगी. मैं बहुत जल्दी कंडीशनर वॉश नहीं करती क्योंकि इसे एज अ पैक भी आप लगा सकते हो. एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स के लिए कंडीशनर आपको एज इट इज़ रखना ही चाहिए फॉर बेटर रिजल्ट. सो मैं आपसे मिलती हूँ जब मैं 10 मिनट्स के बाद अपने हेयर वॉश कर लूँगी. सो गाइज, हियर आई एम. मैंने अपने बाल वॉश कर लिए हैं और नेचुरली उसे सुखा भी लिया है. अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ. इस तरफ मैंने यूज़ किया था हेड एंड शोल्डर कंडीशनर, इस तरफ यूज़ किया था पतंजलि प्रोटीन कंडीशनर. एंड दिस साइड द पतंजलि वन फील्स मच मोर स्मूदर, मच मोर बेटर देन दिस वन. सो आई एम गोइंग टू चूज पतंजलि प्रोटीन कंडीशनर एनी टाइम ओवर हेड एंड शोल्डर वन. एंड टोटली रिकमेंड दिस पतंजलि हेयर कंडीशनर टू यू गाइस. फाइनेंशियली इकोनॉमिकली बहुत बढ़िया कंडीशनर है. आप इस कंडीशनर को एज अ हेयर मास्क भी यूज़ कर सकते हो. आप अगर घर पे हेयर स्पा कर रहे हो उस टाइम पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं. दिस वन इज़ सो मच बेटर देन एनी अदर हाई एंड ब्रांड्स अवेलेबल इन द मार्केट. और मैंने पतंजलि का शैम्पू भी यूज़ किया है, केश कांति प्रोटीन शैम्पू यूज़ किया था.
मुझे कुछ ज्यादा खास नहीं लगा, लेकिन इसका कंडीशनर बहुत बढ़िया है, क्वालिटी भी बहुत अमेजिंग है। यहाँ पे मैंने पतंजलि वाला यूज किया था कंडीशनर, यहाँ पे मेरे हेयर पे मेरा हैंड देखिए कितनी इजीली ग्लाइड हो रहा है, मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा मेरे बालों में नहीं लगाया है, बहुत इजीली ग्लाइड हो रहा है। और मैंने जब अपने बाल को कॉम किया तो मुझे मेरे बालों में कोई नॉट नहीं थी, टैंगल नहीं थे, बहुत इजीली मेरे बाल कॉम हो गए। बट दिस वन यहाँ थोड़ी बहुत नॉट्स थी और देखिए बाल थोड़े से फ्रिजी भी है इस साइड के, मेरे स्मूथनेस फील नहीं हो रही है मुझे यहाँ पे, सो दिस वन इज बेटर एनी टाइम।